समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र 138 से जदयू प्रत्याशी रामबालक सिंह के द्वारा भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि अभी से पूर्व 10 साल से जदयू विधायक रह चुके हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से, फिर भी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में काफी विधायक रामबालक सिंह के प्रति प्यार दिखा। फिर भी विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रैली में लगभग युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि आज के इस रैली में विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं, लगभग सभी पंचायत में यह रैली का नजारा देखने को मिला। रैली के दौरान हमारे संवाददाता सौरभ चौधरी ने रैली में मौजूद कुछ युवाओं और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप की, जिसे पता चला कि विधायक रामबालक सिंह के प्रति प्यार और स्नेह लुटाते दिखाई दिए। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता वर्तमान विधायक से खुश होकर उनके साथ खड़ी है और रैली में मौजूद वर्तमान विधायक और जदयू के प्रत्याशी रामबालक सिंह से हमारे संवाददाता ने कुछ खास मुद्दों पर बात की, जिसमें रामबालक सिंह ने यह वादा किया कि अगर विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे इस विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता का ताज पहनाती है तो हर पंचायत में चौमुखी विकास के साथ साथ गार्डन की व्यवस्था करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और क्या कुछ कहा है देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। बीटी न्यूज बिहार के लिए समस्तीपुर से सौरभ चौधरी की रिपोर्ट। लगातार आदमी की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? धक्का ने, धक्का ने, धक्का ने। आज पूरे विभूतिपुर में विकास के बदौलत माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में और विभूतिपुर में जो विकास हुआ है उसको लेकर के यहाँ के नौजवानों में काफ़ी खुशी है और खुशी का माहौल आप देख रहे हैं और यह खुशी का माहौल ही प्रतीत करता है। चुनाव में कैसा रंग होगा विभूतिपुर का, भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। यहाँ की जनता को क्या मतलब दीजिएगा? विभूतिपुर को जिस तरह हमने पहले से अमन चैन और विकास दिया है उसी तरह से विकास और अमन चैन देंगे, कदम में कदम मिला के चलेंगे, हर दुख सुख में हम शामिल रहेंगे, ये हम वादा करते हैं। आज एक आपके साथ युवा सब है, इसका क्या कारण? लगातार युवा आपके साथ बढ़ रहा है तो युवा के लिए आप क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए हम मान लीजिए हर एक गांव में ये आपको कहते हैं गार्डन बनाएंगे जो हमारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे और उसके बाद दौड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो अभी जो सिपाही भर्ती है जिस तरह की बहाली हो रही है उसमें सब युवा को हम बहाल करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, ये जो नीतीश कुमार जी कहते हैं 19 लाख रोजगार और RJD कह रही है 10 लाख, मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर जी कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे तो वो सफल रहेंगे? RJD एक नौवीं क्लास के फेल आदमी अगर रोजगार की बात करें तो कहाँ तक सफल है? उनको मालूम नहीं है कि रोजगार की बात करते हैं, नौजवानों को वो डार्क में रख रहे हैं, इसलिए कि उनकी ना सरकार बनने जा रही है, जो सरकार बनेगी तब ना, सरकार तो उनका बनने ही नहीं जा रहा है। क्या करें, आप क्या संदेश दे रहे हैं कि हम अगर सत्ता में फिर आते हैं जनता मौका देती है तो क्या कीजिएगा? हमारी सरकार बनेगी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सरकार बनेगी माननीय प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत होगा और उसके बाद यहाँ लाखों लाख युवाओं को हम नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि विधायक जी आपके साथ है, क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी मेरे साथ नहीं है, विधायक जी विभूतिपुर के आम जनता के दिल में बास करते हैं। विधायक जी सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पूरे विभूतिपुर के आम आवाम के साथ है और विभूतिपुर इस विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक राम बालक सिंह जी है। युवा वर्ग से आते हैं, आप क्या चाहते हैं विधायक जी? हमारे विभूतिपुर में बहुत ऐसे काम किए हैं जो राम बालक जी बहुत अच्छे किए हैं, अभी युवा के लिए बहुत चीज सोचे हैं। विधायक जी हम ऐसा कैंडिडेट विधायक जी है ये नहीं कोई दूसरा। इस बार अपार बहुमत से राम बालक सिंह जी देंगे, यही हमारा संकल्प है। इनकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार का जो विकास है उसको कोई रोक नहीं सकता है, अगले फिर चुनाव में फिर यह मने झंडा फहराएंगे नीतीश कुमार को, राम बालक जी को यहाँ पर बहुत अथी है, भारी से विजय कर रहे हैं राम बालक जी। चुनौती एकदम देंगे, नहीं जीतने देंगे क्या? महागठबंधन और CPM को हम पूरे बिहार में चुनौती देंगे। विभूतिपुर विधानसभा इन हम लोग 200+ सीट लाएंगे। खाली हत्या की राजनीति की है विभूतिपुर में, विभूतिपुर में जब से CPM का राज था सिर्फ हत्या की राजनीति की है, उसको कोई वोट लेने वाला नहीं है। राम बालक सिंह जिंदाबाद।
25 साल आप लोग उन लोगों का कार्यकाल देखे, 10 साल राम बालक जी का, तो दोनों में क्या अच्छा लगा आपको? आकाश जमीन का फर्क है। राम बालक सिंह लोकप्रिय नेता है, इनको सब जाति से वोट मिलने जा रहा है, भारी बहुमत से जीतेगा। और राम बालक सिंह से हम लोग बात किए हैं, अगले वहाँ सरकार बनेगा तो मंत्री बन जाएंगे। अजय कुमार जी के बारे में क्या कहना है? विकास की फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह सड़क बनी हुई है, हर घर घर नल आया हुआ है, हर घर बिजली आई हुई है, और जहाँ भी जो थोड़ी बहुत कमी है सड़क की तो वहाँ भी बनते जा रही है, आप देख सकते हो। और हम बताते हैं कि अगर महागठबंधन के जो यहाँ प्रत्याशी अजय कुमार जी, आप उनके बारे में, आप उनके पार्टी से रह चुके रामदेव वर्मा जी भी हैं जिनको पार्टी से हटा दिया गया, वो अपने एक 40 पेज का एक उनके खिलाफ जो एक बनाया है आप उसमें पढ़ सकते हो, उनके उसमें बुराइयाँ हैं, उनके उसमें जितने भी वो मतलब क्या कह रहे हैं, यह एक विभूतिपुर पहले जो 26 साल जो राज किए थे सीपीएम वाले, उसमें रोड की स्थिति बहुत ही खराब थी, शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी, चौमुखी जो है हत्या का राजनीति किया जाता था, रोड माने शाम के 4 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलते। अभी सुरक्षित है बालक जी के कार्यकाल से आप सुरक्षित हैं? जी सुरक्षित है, हाँ जी संतुष्ट है। आपका और शिक्षा के क्षेत्र में विभूतिपुर में शिक्षा के क्षेत्र में राम बालक सिंह 35 पंचायत में 35 हाई स्कूल बनवाए हैं, और 10+2 की 22 पंचायत में पढ़ाई होती है, और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और 8 ITI कॉलेज और 7 आपको कंप्यूटर जो पढ़ाई होती है, कौशल विकास केंद्र का निर्माण किए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं। तो इनका कार्य से संतुष्ट? जी संतुष्ट। सभी लोग इनके साथ हैं? जी।